अम्बाला में 15 तारीख से 4 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी वीरवार शाम खुद अम्बाला पहुंचे, जहां चडूनी ने किसानों में जोश भरने का काम किया। इस दौरान चडूनी ने किसानों को संबोधित करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं मीडिया से बातचीत में चडूनी ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार किसान पीछे हटने वाले नहीं। चडूनी ने कहा कि भले ही पीएम मोदी किसानों पर लाठी डंडे तो क्या गोलियां क्यों ना चलवा लें, मगर इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, 20 को रोड जाम होंगे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर रोड जाम किए जाएंगे और हमारा जो आंदोलन है वो तब तक चलेगा जब तक हमारी बात माननी नहीं जाती। और अगली जो हमारी रणनीति होगी वो सारे देश के संगठनों की एक मीटिंग बुलाएंगे, क्योंकि मीटिंग बुलानी, अभी थोड़ी कोरोना की वजह से ट्रेनें नहीं चल रही हैं, अभी फ्लाइट नहीं चल रही है, इस वजह से थोड़ी डिले हो गई थी। बुला तो पहले लेनी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हम अगली मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग बुला के इस आंदोलन को, पूरे राष्ट्र के अंदर इस आंदोलन को खड़ा किया जाएगा। मैं ये कहता हूँ, ये गोली चलाएं तो भी खाएंगे, लाठी चलाएं तो भी खाएंगे, हम इनके ऊपर कोई वार नहीं करेंगे। वो जितने वार हमारे ऊपर करते हैं हम झेलेंगे, हमने इनकी बाजुओं की ताकत ना पड़ी है। मोदी जो कर सकता है, मरवा सकते हैं, गोली मरवा सकते हैं, लाठी मरवा सकते हैं, जेड़े ये मुकदमे बना सके, जो ये करते हैं इनकी छुट्टी है। हम इनको किसी काम से नहीं रोकेंगे, लेकिन हटेंगे तब जब हमारी बात मानी जाएगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।